आइए दोस्तों, आज हम मार्ग में जानते हैं रेस्टोरेंट के सेटअप के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर है उसको हम कम्प्लीटली टच स्क्रीन पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरा कीबोर्ड है और यहाँ पर ये टेबल्स वगैरह सब बनी हुई हैं, तो हम इसको टच स्क्रीन पर कम्प्लीटली पूरे सॉफ्टवेयर को टच स्क्रीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं हमारे इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। सबसे पहले आप इसको फुल टच स्क्रीन पे यूज़ कर सकते हैं। एक ये पूरा रेस्टोरेंट का कंप्लीट सेटअप है। सबसे पहले हमारे रेस्टोरेंट में क्या होता है कि अगर आप आपके पास कोई कस्टमर आता है तो हम दो तरीके से बिलिंग करते हैं, या तो उसका डायरेक्ट बिल बनता है या फिर हम उसकी केओटी बनाते हैं। केओटी पहले किचन में जाती है, वहाँ से फिर ऑर्डर प्रिपेयर होता है, फिर केओटी वहाँ से क्लियर होती है, उसके बाद कस्टमर का बिल बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केओटी के थ्रू बिल कैसे बनेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से जैसे ही किसी भी टेबल पे क्लिक करते हैं, यहाँ टेबल में मैंने क्लिक किया तो उसका एक केओटी रेडी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, या फिर हम यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि ये मेरे सारे कैटेगरीज के यहाँ पर नेम आ रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ मुझे आइटम चाहिए तो मैं इसको आइटम करूँगा, तो यहाँ मेरी सारी आइटम्स के नेम आ जाएंगे। मैं वापस इसको कैटेगरी कर देता हूँ। सपोज मुझे एपेटाइजर्स चाहिए, तो मैं एपेटाइजर्स पे टच करता हूँ टच स्क्रीन पे, तो यहाँ मेरे जितने भी एपेटाइजर्स होंगे सारे एपेटाइजर्स आ जाएंगे। मुझे इसमें आलू टिक्की चाहिए तो मैं आलू टिक्की करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आलू टिक्की ले लेगा। मुझे दो आलू टिक्की चाहिए तो मैं दो आलू टिक्की ले लेता हूँ। मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा देना है, जैसे आलू टिक्की मुझे स्पाइसी चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसमें एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये डिटेल्स पूछ लेता है कि आपको स्पाइसी चाहिए, नहीं, ये स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा चीज़ के साथ चाहिए, पैकिंग करवानी है, कोई स्पेशल रिमार्क डालना है। इन डिटेल्स को आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं और इसमें कितना भी आप ऐड कर सकते हैं, जितनी डिटेल चाहें उतनी आप यहाँ पर क्वेश्चंस फील्ड एडिट कर सकते हैं और इस आंसर्स को भी एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ से मैं बिल को सेव कर देता हूँ, ये मेरा सॉरी केओटी को सेव कर देता हूँ, मेरी केओटी सेव हो जाएगी। अभी आप देखेंगे कि टेबल का कलर चेंज हो गया, मतलब यहाँ पर अभी केओटी बन चुकी है, पेंडिंग है। तो अभी मैं केओटी पेंडिंग्स पे क्लिक करता हूँ, जो मेरी केओटी पेंडिंग है, केओटी पेंडिंग पे मैंने क्लिक किया तो मेरे को यहाँ दिखा देगा कि ये केओटी का नंबर है, टेबल नंबर 1 पर किस यूज़र ने बनाया है, कितना बिल वैल्यू किस टाइम पर आया था और उसमें क्या क्या मेरा ऑर्डर है। मैं इस पे एंटर मारता हूँ तो ये ऑप्शंस आते हैं ओपन केओटी। अगर मैं ओपन करके देखना चाहता हूँ केओटी में क्या क्या है, मुझे पेंडिंग छोड़ना है या फिर मुझे क्लियर करना है, तो ये मेरा केओटी यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद मैं यहाँ से इसका बिल कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, बिल कन्वर्ट पे एंटर किया, टेबल नंबर 1 या 2 जिस पर भी मुझे करना है, टेबल नंबर 2। तो यहाँ दिखा देगा मेरा जितनी भी केओटी पेंडिंग है। अगर मेरा सपोज एक ही टेबल पर दो कस्टमर बैठे हैं तो मुझे दोनों का बिल अलग अलग बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको केओटी शो कर देता है। मैं यहाँ सेलेक्ट पे एंटर करता हूँ तो जिस केओटी का मुझे बिल बनाना है उसको मैं एंटर कर लेता हूँ। यहाँ मेरे आइटम्स आ जाएंगे दोनों, इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया तो ये मेरा बिल बन जाएगा। मैं इसका व्यू करके देख सकता हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरा एक बिल बन जाएगा जिसको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं बिल फॉर्मेट को भी। तो ये तो मेरा प्रोसीजर था केओटी का। अब एक कुछ जगह क्या होता है कि जैसे डायरेक्ट कस्टमर आता है, जैसे आपने देखा होगा डोमिनोज, तो डोमिनोज में हमारा क्या होता है, डायरेक्ट हमारा कस्टमर हमारे पास आता है, बिल लेता है। तो मैंने उसका क्या किया, यहाँ पर एक बिल बनाया रिटेल, यहाँ मैंने मोबाइल नंबर डाला, सपोज ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो जैसे ही मैं इस पर एंटर मारूंगा अगर कस्टमर मेरे पास ऑलरेडी पहले आ चुका होगा तो उसकी डिटेल ऑटोफिल हो जाएंगी। जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाला तो राहुल मेरा एक जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है मेरे पास पहले भी आ चुका है, तो उसकी डिटेल यहाँ ऑलरेडी अपने आप आ गई। उसके बाद सेम उसी तरीके से मुझे जो भी चाहिए तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज मुझे गुलाब जामुन चाहिए तो गुलाब जामुन आ गया, इसको मैंने सेव किया तो ये मेरा सेव हो। इस तरीके से मैं रेस्टोरेंट में बिलिंग कर सकता हूँ। अगर मेरा जो कस्टमर है एक टेबल पर बैठा हुआ है लेकिन उसने टेबल चेंज कर ली, मुझे मतलब केओटी ट्रांसफ़र करनी है फ्रॉम टेबल 2 टू
टेबल वन, तो इस मैं यहाँ से KOT ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ। मुझे कोई KOT मॉडिफाई करनी है तो यहाँ से मैं KOT को मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया रेस्टोरेंट में हम बिलिंग कैसे करते हैं। अगर अभी आप देख अभी मेरा रेस्टोरेंट में और क्या हो सकता है कि जैसे अगर मेरा बार भी रेस्टोरेंट के साथ अटैच है, तो बार्स में क्या होता है कि मेरी फुल बॉटल्स होती हैं और उसमें से मैं पैक बनाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने एक स्टॉक जो है मैं बॉटल्स में इन करूँ और जो लेस हो वो ऑटोमेटिक बॉटल से लेस होता रहे। जैसे मैंने 30 ml का एक पैक बनाया, तो बॉटल में से ऑटोमेटिक 30 ml पैक लेस हो जाए। तो वो फंक्शन भी हमारे पास है। जैसे मैं टेबल नंबर 2 पे एक KOT बनाता हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया बैक पाइपर का एक 60 ml का पैक बनाया